देश में कोरोना के केस आजकल के मुकाबले कुछ कम हुए हैं, मौतें भी कम हुई हैं, लेकिन गोवा के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 15 और कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। गुरुवार सुबह 15 और मरीजों ने दम तोड़ा। पिछले 3 दिनों की बात करें तो यहां ऑक्सीजन की किल्लत, सप्लाई रुक जाने से गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। मंगलवार को 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद बुधवार को 21 और कल सुबह 15 लोगों की जान चली गई। उधर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बेहद असंवेदनशील बयान दिया है। गौड़ा से जब वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि क्या खुद को फांसी लगा ले। ये दो तस्वीरें देश का सूरत हाल बता रही हैं। गोवा की तस्वीर जहां पर 3 दिनों के भीतर ऑक्सीजन की कमी ने 62 लोगों की जान ले ली और अभी भी इसको लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है जिससे रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, जिनसे जब वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल पूछ लिया गया तो उन्होंने असंवेदनशील बयान देते हुए कह दिया कि क्या खुद को फांसी लगा ली। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं जो गोवा से आ रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 15 और कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ को ये जानकारी दी है। गुरुवार सुबह 15 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत, सप्लाई रुक जाने से गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। मंगलवार को 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बुधवार को 21 और कल सुबह 15 लोगों की जान चली गई। इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मृत्युंजय, अब किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि 3 दिन लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही गया, अभी भी क्या यही बहाना है कि किल्लत है? प्रतिभा, एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। परिजनों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों में गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में घटनाएं हुई हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने की वजह से कोविड मरीजों की मौत हुई है, वो घटना एक बार फिर से दोहराई गई है। आपको बता दें कि मंगलवार के दिन 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद बुधवार के दिन 21 लोगों की मौत हुई और फिर गुरुवार के दिन 15 लोगों की मौत हुई। और अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है परिजनों के हवाले से, खबर है कि बीती रात 2 बजे से 6 बजे के बीच में कुछ लोगों की मौतें हुई है। हालांकि यह आंकड़ा कितना है, आधिकारिक है, किस प्रकार से मौतें हुई हैं, ये अब तक आधिकारिक तौर पर हमें गोवा मेडिकल कॉलेज से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन परिजनों के हवाले से खबर है कि बीती रात को भी काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप अस्पताल में मचा हुआ था। तो ये तस्वीर है। आपको बता दें कि कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है कि आखिरकार ये जो घटना हुई उसके बाद से क्या सबक लिया गया। इस पर गोवा सरकार ने ये कहा है कि हमने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो कि 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। खुद गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में ये विजिट किया था, जाकर उन्होंने हालचाल लिया था। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने भी जाकर चल लिया था। बावजूद इसकी अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही डरावनी है और कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं होती जा रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और उससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार रात के समय में ही ऐसा क्या हो रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की मौतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर परिजनों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि किस बात का इंतजार वहां किया जा रहा है जब पहले दिन मंगलवार को 26 लोगों की जान गई है। 1-2 का आंकड़ा नहीं मृत्युंजय, 26 लोगों की जान गई। फिर किस बात का इंतजार किया गया कि अगले दिन ये मौत का आंकड़ा एक बार फिर से सामने आए, 21 लोगों की जान चले जाए, उसके बाद 15 लोगों की, और अगर इस बात पे बिल्कुल भी सच्चाई निकलकर सामने आई तो ये तो बहुत बड़ी चूक है मृत्युंजय। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चूक है और साथ ही साथ जो हमें कोविड अस्पताल के अंदर की तस्वीरों परिजनों के माध्यम से मिल रही है वो देखकर तो और भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अस्पताल का पैसेज है उसमें मरीज जो है वो पड़े हुए नजर आ रहे हैं, मरीज के जो परिजन है वो मरीजों कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। आमतौर पर कोविड अस्पतालों में सिर्फ मरीजों के अलावा कोई नहीं होता, सिर्फ अस्पताल का स्टाफ उनकी देखरेख करता है, ध्यान देता है। गोवा मेडिकल कॉलेज में परिजन जो है वो जाकर कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि कोई भी स्टाफ जो है वो अटेंड करने के लिए नहीं आता, बहुत मशक्कत और मिल्लत के बाद जो है स्टाफ वो अटेंड करने आता है। तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली है और बड़ी बेहद डरावनी तस्वीर है। एक विषय ये भी है कि जो गोवा का ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ये गोवा का सबसे बड़ा कोविड सेंटर हॉस्पिटल है।
और तमाम संसाधनों से भरा हुआ हॉस्पिटल है, लेकिन जब तमाम संसाधनों से भरे हुए हॉस्पिटल की ये तस्वीर है कि वहाँ एक रात में 26 मौतें, दूसरी रात 21 मौतें, तीसरी रात 15 मौतें और कुछ अब और मौतों की बातें सामने आ रही, तो ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है और डरावनी स्थिति है। सरकार कितना भी दावे करे, लेकिन जब इस प्रकार की मौतें होती हैं तो सवाल उठती हैं। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य मंत्री हैं, सवालों के घेरे में गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इसको सुनिश्चित करना होगा कोर्ट में सिर्फ हलफनामा देने से कि ऑक्सीजन बाधित ना हो, इसकी हमने तैयारी कर रखी है, इससे नहीं होगा। बाकायदा कोर्ट ने खुद केंद्र सरकार को कहा है कि गोवा के कोटे की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत से किसी कोविड मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। पर ये अगर आंकड़े इस प्रकार से आ रहे हैं तो बेहद ही चौंकाने वाले और बेहद ही डरावने आंकड़े हैं। तो मृत्युंजय बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि परिजनों की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि एक बार फिर से मौत हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पे बड़ी खबर यह आई है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की जाँच होगी। आपको बता दें, हमने आपको बताया कि मंगलवार से ये सिलसिला शुरू हुआ जब 26 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, बुधवार को 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद गुरुवार को भी सिलसिला नहीं थमा जब 15 लोगों की जान चले गए। प्रमोद सावंत ने क्या ट्वीट किया है ये आपके सामने रख देते हैं। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, पूरे मामले की जांच होगी ऐसा कहा गया है। प्रमोद सावंत ने लिखा है, सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए हमने IIT के निदेशक के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। ये प्रमोद सावंत गोवा के CM जिनका ये ट्वीट है, ये कमेटी गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे की जांच करेगी। तो अब जांच की बात कर रहे हैं प्रमोद सावंत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उन परिजनों को क्या जो अभी भी इलाज के लिए उस अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनको कोई आश्वासन देगा कि इस तरीके की घटना अनदेखी अब दोबारा नहीं होगी। तो इस पूरे मसले पर गोवा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये कहा है कि इस मामले की जांच होगी। मृत्युंजय, कोई भी आश्वासन, कोई भी सांत्वना उन लोगों के लिए काफी नहीं है जो इस वक्त डर के माहौल में होंगे, क्योंकि उनके सामने कई लोगों ने दम तोड़ दिया होगा, वो अभी इलाज के लिए तरस रहे होंगे, उनको भी ये डर सता रहा होगा कहीं ऑक्सीजन ना खत्म हो जाए। प्रतिमा, निश्चित तौर पर वहाँ जितने भी परिजन हैं गोवा मेडिकल कॉलेज में, जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं, उनके मन में यही सवाल होता है कि सुबह उठने के बाद वो तुरंत अपने परिजनों का हाल जानना चाहते हैं। उसके लिए वो अस्पताल के लैंडलाइन नंबर और अस्पताल के स्टाफ से संपर्क करते हैं कि वार्ड नंबर 147 146 में जो मेरे ये परिजन हैं उनकी कैसी स्थिति है। तो ये बताता है मनोस्थिति उन परिजनों की जिनके लोग कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल रहता है कि अगर पिछले 4 दिनों में इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो उनके परिजन के साथ क्या हुआ है। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर परिजनों में एक डर का माहौल बना ही हुआ है और चिंता बनी रहती है, और कहीं ना कहीं परिजन भी एक आश्वासन चाहते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति से आश्वासन चाहते हैं कि कम से कम ऑक्सीजन की किल्लत या ऑक्सीजन बाधित होने की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। और निश्चित तौर पर जो स्थिति है गोवा मेडिकल कॉलेज की वो भी बड़ी भयावह है। हम लगातार बता रहे हैं कि वहाँ पर बेड की तो कमी है ही, साथ ही साथ वहाँ बाकायदा पैसेज में लोग ज़मीनों पर अपने खुद के बिस्तर लाकर वहाँ पर सो रहे हैं, खुद के बिस्तर लाकर वहाँ पर मरीज लिटाए जा रहे हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है जो कि बड़ा ही भयावह है, बड़ा ही डरावना है। सिर्फ कोर्ट के हलफनामे से और सिर्फ जांच के आदेश दे देने से, ये खानापूर्ति कर देने से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सुनिश्चित करना होगा कि कोविड मरीजों को उचित इलाज मिले और ऑक्सीजन की वजह से अगर किल्लत और बाधित होने की वजह से जाने जा रहे तो उसको तत्काल बिल्कुल। मृत्युंजय लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार आप तक हम तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आप इस पूरे मसले पर क्या हुआ, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मृत्युंजय आपका। मौत गोवा मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है, हमने आपको बताया कि मंगलवार से ये सिलसिला शुरू हुआ जहां ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अब तक 62 लोगों की मौत का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे, इसमें 13 और लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये मौत पिछले 5 घंटे के भीतर बीती रात 1 बजे से 6 बजे के बीच हुई है। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने हमें बताया था कि उनके लगातार अस्पताल में मौजूद परिजनों से बात हो रही थी जो ये शिकायत कर रहे थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि कुछ और मरीजों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एक एक कर हम आपको लगातार बता रहे हैं। मृत्युंजय, आपकी बात, आपने जो कहा वो सच साबित हुआ, इसी बात का डर था मृत्युंजय? जी बिल्कुल प्रतिमा, अभी कुछ समय पहले ही हम जानकारी दे रहे थे कि परिजनों के हवाले से कि कुछ मौतें आज रात को भी हुई है, और जिसकी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक और उनके नेता विजय सरदेसाई ने पुष्टि की है और कहा है कि
13 लोगों की मौत जो है वो बीती रात यानी आज सुबह सुबह डार्क आवर में। डार्क आवर हम इसे क्यों कर रहे हैं कि रात को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसा क्या होता है कि लोगों की जाने जा रही है, ऐसी कैसी लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं मिल रही है या ऑक्सीजन ठप हो जा रही है कि जिसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है। आज भी मौतें हुई है, इसके पहले हम परिजनों के हवाले से खबर दर्शकों को बता रहे थे कि कुछ लोगों की मौतें गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है और आज भी वही देखने को मिली। आपको बता दें कि कुछ समय पहले हमारी अस्पताल से भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि बीती रात को कुछ मौतें हुई हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी के चलते ये मौतें हुई हैं। कितनी बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक जानकारी दी जा रही है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट की वजह से ये मौतें हुई रही हैं। ये 4 दिन से ये पूरा नजारा पूरा खेल चल रहा है, यानी कि सरकार कर क्या रही है। सरकार ये मंगलवार को देख रही थी कि 26 लोगों की मौत हुई, उससे सबक लेना चाहिए था और हम न्यूज लगातार खबरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और आज हमें फिर ये बताना पड़ रहा है कि आज भी 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 13 लोगों की मौत हुई है। गोवा के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की अगर ये स्थिति है कि 75 लोगों की जान चले गई वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ये डराता है और ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। सरकार सो रही है क्या, सिस्टम सो रहा है क्या, किस बात का इंतजार किया जा रहा था। ABP News आपको रखे आगे।